इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स झूठी कसम उठाता है जहां ये कबीरा गुनाह है, तदउ दियार बिलाकिअ, अल्लाह उसके घर का बेड़ा गर्क कर देता है, उसके घर में सुकून नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आज मुसलमानों को परवाह कोई नहीं है। आज पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट मुरतब करने वाले इदारे लिखते हैं 11 लाख लोग रोजाना, 11 मिलियन लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर अदालतों के धक्के खाते हैं, न जाने कितने झूठी कस्में लिख के आते हैं। अल्लाह जलाल के पैगंबर ने फरमाया झूठी कसम उठाने वाला अपने घर को अपने हाथों से ही बर्बाद कर देता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैहि से ये फरमाया करते थे, मैंने सच्ची कसम भी उठाने कभी हिम्मत नहीं बांधी इस डर से कि कहीं इसमें कोई बात ऐसी ना आ जाए।